आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेमलेट, आवर फर्स्ट ड्रामा ऑफ कराची यूनिवर्सिटी. अच्छा, यहाँ पे देखें, बुक सिक्स है, हेमलेट बाय शेक्सपियर. अब ये कराची यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के सिलेबस में भी है और यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के सिलेबस में भी है. तो ये तीनों स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको कवर कर सकते हैं थ्रू दीज लेक्चर्स. अच्छा, यहाँ पे देखें, इसके जो मेन टॉपिक्स जो हम पढ़ेंगे आज, सबसे पहले हम हेमलेट समरी पढ़ेंगे जो आज हमारा टॉपिक है इन उर्दू. उसके बाद हम कैरेक्टर लिस्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हेमलेट समरी इन इंग्लिश पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है वन बाय वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे. अब इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये लिस्ट दी हुई है जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं. ये तकरीबन 10 के करीब कोई मेरा कनेक्शन जो है वो ड्रॉप हो गया था, मैंने अभी कनेक्शन अपना चेंज किया. चलें जनाब शुरू करते हैं. अच्छा जी, अभी हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि मैं आप लोगों को बता रही थी अभी ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम ये कुछ क्वेश्चंस हैं. सबसे पहले हम आज समरी पढ़ेंगे इन उर्दू, देन कैरेक्टर लिस्ट, फिर समरी इन इंग्लिश और उसके बाद हमने पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये आप नोट कर लीजिएगा. हेमलेट एज अ ट्रेजिक हीरो, हेमलेट्स डिले, हेमलेट्स मैडनेस, हेमलेट एज अ प्रॉब्लम प्ले, इज हेमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर, हेमलेट एज अ रिवेंज ट्रेजेडी, हेमलेट एज अ रिलीजियस ड्रामा, हेमलेट ओफेलिया रिलेशनशिप, रीजन ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ हेमलेट, सिग्निफिकेंस ऑफ प्ले विदिन प्ले एंड हेमलेट और उससे आगे हम फिर चलते हैं द यूज ऑफ सोलिलोक्वीज एंड हेमलेट और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स. सोलिलोक्वीज होता है अपने आप से बातें करना, ठीक है, हम कभी अकेले होते हैं और हम अपने आप से बातें कर रहे हैं तो यूज ऑफ सोलिलोक्वीज एंड हेमलेट और ये नॉर्मली शेक्सपियर के ड्रामाज में हमने देखी है. और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स यानी कि हवाई मखलूक, जिन, भूत, परियां, इसको सुपर नेचुरल एलिमेंट्स कहते हैं. तो ये सब और हेमलेट ओफीलिया रिलेशनशिप यानी कि हेमलेट जो है वो जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसका नाम ओफीलिया था, तो हेमलेट और ओफीलिया रिलेशनशिप वो भी हम पढ़ेंगे. अच्छा जी, हेमलेट समरी इन उर्दू. हेमलेट के बारे में मैं आपको बता दूं कि हेमलेट है और उसकी माँ है जिसका नाम है जर्ट्रूड और जो है एक्चुअली हेमलेट का जो फादर होता है उसका नाम भी हेमलेट ही होता है और उसके बाप ना अचानक से मर जाता है और उसकी जो माँ होती है वो अपने देवर क्लॉडियस से शादी कर लेती है. अब ये पूरी कहानी इसी के गिर्द घूमती है कि एक लड़का है जो कि एक बादशाह का बेटा है, उसको अल्टीमेट शहजादा बनना था लेकिन क्योंकि उसकी माँ ने अचानक से उस अपने देवर से यानी कि हेमलेट के चचा से शादी कर ली तो फाइनली तो हेमलेट जो है वो बहुत ज्यादा एक एहसास कमतरी का भी कुछ शिकार हो गया था, अंदर ही अंदर से वो बहुत नेगेटिव भी हो गया था और इस तरह से उससे उसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुए क्योंकि वो क्लेडियस को एज अ फादर और एज अ किंग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि जायदाद जो है यानी कि हेमलेट के बाप के मरने के बाद बादशाह किसको बनना चाहिए था, हेमलेट को, लेकिन हेमलेट की जगह क्लॉडियस जो है वो उसका बादशाह बन गया उस रियासत का. दूसरा, उसकी जो माँ थी, ठीक है, वो अपनी माँ को जो है जाहिरी बात है जब उसकी माँ ने शादी की क्लॉडियस के साथ तो जाहिर बात है वो अपनी माँ को कॉम्प्रोमाइज मतलब शेयर नहीं कर पाया जिसकी वजह से हेमलेट के काफी प्रॉब्लम स्टार्ट हुए. अब यहीं से शुरू होता है हेमलेट का सफर कि लेट्स सी हेमलेट इज द हीरो ऑफ द ड्रामा और क्या हुआ था उसके बाप के साथ और क्या उसको वाकई वो कुदरती मौत मरा था या उसको किसी जहरीली चीज ने काट लिया था या उसको किसी ने किल किया था. That is the whole story. और let's see कि इसके अंदर होता क्या. शेक्सपियर का ये ड्रामा डेनमार्क के एक नौजवान शहजादे हेमलेट के गिर्द घूमता है. हेमलेट का बाप अचानक मर जाता है, उसकी माँ जर्ट्रूड अपने देवर क्लॉडियस से शादी कर लेती है, यूं क्लॉडियस अपने भाई के मरने के बाद बादशाह बन के बैठ जाता है.
ये सब कुछ इतना अचानक और गैर मुतवक्की होता है कि हेमलेट दुखों से चूर हो जाता है, और हेमलेट जहाँ एक तरफ अपने बाप की अचानक वफात से गमगीन होता है, वहाँ माँ की इसके चचा से उजलत में की गई शादी को उसकी जिंदगी से दल शादी जिंदगी उसको जिंदगी से दिल बर्दाश्ता कर देती है। माँ बाप के मरने के बाद उसे तख्त का वारिस होना था, लेकिन उसे तख्त के छिन जाने का जाने से ज्यादा अपनी माँ की बेवफाई का दुख होता है। क्लॉडियस का कहना था कि हेमलेट का बाप यानी कि सीनियर हेमलेट सांप के डसने से हलाक हुआ था, ठीक है, यानी कि उसका चचा हेमलेट का चचा उसको कहता है कि भाई तुम्हारा जो बाप है उसको सांप ने काट लिया था, इसलिए सीनियर हेमलेट की डेथ हो गई। लेकिन हेमलेट दिल ही दिल में अपने चचा और माँ को अपने बाप की मौत का जिम्मेदार समझता है। जर्ट्रूड और क्लॉडियस वो इसका गम गलत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेमलेट अपने गम को किसी तौर पर छुपा नहीं सकता। वो हर वक्त मातमी लिबास में मलबूस नजर आता है और दुनिया और दुनिया वालों से बेजार नजर आता है और तन्हाई में मौत की ख्वाहिश करता है। हेमलेट के एक करीबी दोस्त होरेशियो को एक दिन महल सराय के संतरी बताते हैं, यानी कि वहां के जो प्रीस्ट होते हैं, महल की जो मोटल होती है जहाँ पे लोग ठहरते हैं, मेहमान आके ठहरते हैं, तो वो होरेशियो जो कि बहुत हेमलेट का बेस्ट फ्रेंड होता है, बहुत क्लोज फ्रेंड होता है, वो उसको बताता है कि भाई कई रातों से जो सीनियर हेमलेट है यानी कि हेमलेट के बाप का नाम ड्रामे में हेमलेट ही बताया गया है, उसका भूत देख रहे हैं। वो रात के वक्त एक मुकर्रा वक्त पर जाहिर होता है और फिर गायब हो जाता है। होरेशियो इब्तदा इस बात पर यकीन नहीं करता, ताहम संतरियों को यानी कि प्रीस्ट के इसरार पर होरेशियो इस वाक्य की तस्दीक के लिए एक रात उनके साथ महल के दरवाजे पर पहरा देता है। 12 बजे के करीब हेमलेट के बाप का भूत वाकई जाहिर होता है, जो जिंदा हेमलेट से मुकम्मल मुशाबियत का हामिल होता है, यानी कि जिंदा हेमलेट से यानी कि जो उसका बाप था उससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता था, हम इसका रंग जर्द होता है। वो होरेशियो से कुछ कहना चाह रहा होता है, लेकिन इसी दौरान सुबह का जब हो जाता है यानी कि सुबह हो जाती है और मुर्ख खजाने देने लगते हैं और वो भूत फौरन ही गायब हो जाता है। होरेशियो ये सब देखकर बहुत हैरान होता है, वो उसे एक बदशगुनी करार देता है। ताहम अपने साथ मौजूद संतरियों से मशवरे के बाद वो ये तमाम वाकया हेमलेट के इल्म में लाने का फैसला करता है। बाद में वो फिर कहता है कि चलो मैं हेमलेट को बताऊंगा कि मैंने तुम्हारे बाप का भूत देखा। अगली सुबह होरेशियो ये तमाम वाक्य अपने दोस्त हेमलेट के गोश गुजार करता है, यानी कि हेमलेट को सारा सुना देता है। हेमलेट जो पहले ही दुखों से चूर है मजीद गमनाक हो जाता है, ताहम वो भी इसे एक बदशगुनी ही करार देता है। इसके ख्याल में शायद इसका बाप इससे कुछ कहना चाहता था, इसलिए उसकी रूह कब्र में भी बेचैन है और उससे मिलने की मतमनी है। वो फैसला करता है कि रात वो भी पहरेदारों के हमरा इस जगह मौजूद रहेगा जहाँ इसके बाप का भूत जाहिर हुआ था। रात के पिछले पहर जब हेमलेट होरेशियो और चंद सिपाही पहरा दे रहे होते हैं तो वो भूत दोबारा जाहिर होता है। हेमलेट इसे देखकर खौफ और हैरानगी के आलम में पुकारता है और उससे पूछता है कि वो अपनी कब्र से निकलकर क्यों यूं दहशत के आलम में घूम रहा है। इस पर भूत हेमलेट को अपनी तरफ आने का इशारा करता है। हेमलेट के दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेमलेट जो जिंदगी को अब एक बोझ समझ रहा होता है उसके पीछे जाने के लिए तैयार हो जाता है और होरेशियो उसे दरख्वास्त करता है कि वो भूत के करीब ना जाए क्योंकि हो सकता है कोई बदरू हो उसे नुकसान पहुंचाए, लेकिन हेमलेट उनके मशवरे को रद्द कर देता है और बहादुरी से भूत के पीछे चल पड़ता है। वो भूत हेमलेट को तन्हाई में ले जाकर बताता है कि दरअसल वो मरा नहीं बल्कि उसे कत्ल किया गया था, यानी कि हेमलेट का बाप का जो भूत होता है वो उसे कहता है कि भाई मैं मरा नहीं था, मुझे कत्ल किया गया है और उसे कत्ल करने वाला उसका अपना भाई क्लॉडियस था, यानी कि जिसकी शादी उसकी बीवी से हो चुकी है, जो एक लंबे अरसे से उसकी सल्तनत और उसकी बीवी और उसकी जिंदगी हत्याने के दर पर था। चुनाचे एक दिन जब वो हस्बे मामूल दोपहर को बाग में सवार हो रहा था, उसका बदनीयत भाई मौका पाकर अंदर आ गया। ठीक है, जब वो सो रहा था उस गार्डन में तो बदनीयती से उसका भाई जो है अंदर आ गया और उसके कान में एक ऐसा जहर उंडेला जिसकी वजह से इसका सारा खून जामिद हो गया और उसका जिस्म फॉलिश ज्यादा हो गया और चंद ही लम्हों में उसकी मौत वाकई हो गई। हेमलेट का बाप उसे तरगीब देता है कि वो उसके कत्ल का बदला ले और उस वक्त तक चैन से ना बैठे जब तक कि वो अपने चचा को कत्ल ना करे।
تاہم وہ اسے تنبیہ کرتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کوئی ظلم روا نہ رکھے اور اس کا معاملہ خدا اور اس کے ضمیر پر چھوڑ دے. ہیملٹ اپنے باپ کی روح سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے گا, تاہم ماں کو کچھ نہیں کہے گا. یہ سب کچھ کہہ کر وہ روح غائب ہو جاتی ہے, اور اس دوران ہیملٹ کے دوست ہوریشیو اور مارسلس بھی اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے ہیں. تاہم ہیملٹ ان سے وعدہ کر لیتا ہے کہ وہ کسی کو بھی اس بھوت کے ظاہر ہونے کے بارے میں نہیں بتائیں گے. ان دونوں کو وہ منع کرتا ہے کہ بھئی اب تم نے اس بھوت کے بارے میں نہیں بتانا کسی کو. مزید یہ کہ وہ آئندہ پاگل پن کا ڈرامہ کرے گا لیکن حقیقت میں پاگل نہیں ہوگا. دراصل ان پے در پے حادثات نے ہیملٹ کے ذہن پر یقیناً اثر کیا ہوتا ہے. مزید اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ کلاڈیس ہر دم اس پر نظر رکھے ہوئے, چنانچہ اسے مطمئن کرے اور اپنے اندر ابلتے ہوئے انتقام کے جذبے کو چھپانے کے لیے ہیملٹ پاگل پن کا ڈرامہ شروع کر دیتا ہے. اس طرح کلاڈیس اور جرٹروڈ دونوں دھوکہ کھا جاتے ہیں, یعنی کہ اس کی ماں اور چچا دونوں دھوکہ کھا جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب پاگل ہو چکا ہے. ان واقعات سے پہلے جب ہیملٹ ایک خوشگوار زندگی گزار رہا تھا تو وہ ایک درباری پولونیس کی بیٹی اوفیلیا سے محبت بھی کرتا تھا. ٹھیک ہے, جب وہ بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا یعنی کہ اس کا باپ زندہ تھا تو وہ اوفیلیا سے محبت کرتا تھا, پولونیس کی بیٹی تھی جو اس کا درباری تھا. پولونیس بادشاہ کا ایک وفادار لیکن قدرے بیوقوف درباری ہے, اور ہیملٹ اس بات سے بخوبی واقف ہے. چنانچہ وہ بادشاہ اور ملکہ تک اپنے پاگل ہو جانے کی خبر پہنچانے کے لیے اوفیلیا کے پاس دریدہ پیرہن ہو کر جاتا ہے اور اس کے سامنے پاگلوں جیسی حرکات و سکنات کا مظاہرہ کرتا ہے. اوفیلیا اس بات سے سخت رنجیدہ ہوتی ہے اور تمام واقعہ اپنے باپ پولونیس کے کو بتا دیتی ہے اسے, اور وہ اسے ہیملٹ کا وہ خط بھی دکھاتی ہے جس میں ہیملٹ نے انتہائی جذباتی انداز میں اس سے اپنی محبت کا اقرار کیا ہوتا ہے. پولونیس فوراً اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہیملٹ کے دماغی خلل کی اصل وجہ اس کے باپ کی وفات نہیں بلکہ عشق ہے, یعنی کہ وہ جو اس کی بیٹی ہے اس کے عشق میں کیونکہ وہ گرفتار ہو چکا ہے تو اس لیے جو ہے ہیملٹ جو ہے وہ پاگل ہو چکا ہے. چنانچہ وہ بادشاہ اور ملکہ تک تمام بات پہنچا دیتا ہے. وہ بادشاہ اور ملکہ چھپ کر ہیملٹ اور اوفیلیا کی گفتگو بھی سنتے ہیں, جن میں ہیملٹ اور اوفیلیا ایک دوسرے سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں اور شکوے شکایتیں کرتے ہیں. یوں بادشاہ اور ملکہ کو ہیملٹ اپنے پاگل پن کے حوالے سے مطمئن کر دیتا. اب ایک طرف سے تو اس نے جو ہے اوفیلیا جو تھا کلاڈیس تھا اس کا ایک طرح سے اپنا اس کا جو وہ ہر وقت اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھا. اس کا ہیملٹ نے پہلی چیز یہ کہ اس کا تمام جو تھا کہ اس کے اوپر اس نے نظر رکھی ہوئی تھی ہیملٹ نے, وہ سارا جو اس کی طرف سے توجہ جو ہے کلیڈیس کو کی توجہ ہٹانے کے لیے اس نے یہ سارا کیا, اور فائنلی وہ اس میں کامیاب ہو گیا. اب جب کلیڈیس کی جو اصل نظر ہوتی ہے وہ اس کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے, توجہ ہٹ جاتی ہے, تو اب ہیملٹ کا اصل مسئلہ اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینا تھا. لیکن یہ اس کے لیے اتنا آسان کام نہ تھا کیونکہ اولاً تو خون بہانا خود اس کی فطرت کے خلاف تھا. وہ ایک انتہائی نفیس شخص ہے جو شاعری, موسیقی اور فنون لطیفہ میں دلچسپی رکھتا ہے اور مفکرانہ خیالات کا حامل ہے. سیکنڈلی, کلاڈیس بادشاہ ہونے کی وجہ سے ہر وقت اپنے گرد حفاظتی گارڈ رکھتا تھا, وہ کبھی بھی اکیلا نظر نہیں آتا تھا. تیسری چیز یہ کہ سوئم اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا بھی دشوار تھا کہ اس نے جو بھوت دیکھا ہے کیا واقعی وہ اس کے باپ کی روح ہے یا کوئی شیطانی روح اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس سے کوئی غیر اخلاقی جرم کروانا چاہتی ہے. ہیملٹ اسی شش و پنج میں رہتا ہے اور فوراً انتقام نہیں لے سکتا. وہ خود کو کوستا بھی ہے اور کہ وہ اپنے باپ کا انتقام نہیں لے رہا, لیکن اس ذہنی کشمکش سے چھٹکارا بھی نہ پا سکا. انہی دنوں محل میں چند اداکار آ گئے جو مختلف جگہوں پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے. ہیملٹ چونکہ فن اداکاری میں کبھی گہری دلچسپی رکھتا تھا, اس لیے ان میں چند ایک ہیملٹ کے پرانے دوست اور جاننے والے تھے. ہیملٹ نے ان کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا اور ان سے ڈراما کے موضوع پر خاصی دلچسپ بحث بھی کرتا ہے. وہ ان سے ٹرائے کی جنگ یعنی کہ وار آف ٹرائے میں بادشاہ پریام کے قتل اور اس کی ملکہ ہیکوبا کی حالت زار بیان کرنے کی فرمائش کرتا ہے.
वो अदाकार उसके दिल पजीर अंदाज में ये किस्सा, इतना दिल पजीर अंदाज में ये किस्सा बयान करता है कि सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस पर हेमलेट आजरदा हो जाता है, गमजदा हो जाता है और सोचता है कि जब ये अदाकार और दूसरे लोग एक ख्याल सुनकर इतने रंजीदा हो गए तो वो कैसा बेटा है जो अपने हकीकी बाप के कातिल का कुछ नहीं बिगाड़ सका। इस दौरान उसे एक ख्याल आता है कि वो इन अदाकारों के जरिए एक ड्रामा देखने के लिए वो बादशाह है मलका और तमाम दरबारियों को भी दावत देगा कि वो बादशाह मलका और तमाम दरबारियों को मतलब उन सब को कहता है कि वो इन अदाकारों के जरिए जो है एक ड्रामा जो है वो कहता है कि ये सब अदाकार एक ड्रामा एक्ट करेंगे और बादशाह मलका और तमाम दरबारी भी ये ड्रामा देखेंगे और इस दौरान क्लॉडियस के चेहरे के तासुरात का जायजा भी लेता रहेगा कि क्लॉडियस जो है उस अगर क्लॉडियस ने इस मौके पर किसी किस्म की परेशानी का इजहार किया तो ये साबित हो जाएगा कि इसके बाप की रूह बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी। उसने होरेशियो से भी दरख्वास्त की कि वो ड्रामे के दौरान बादशाह के तासुरात का जायजा लेता रहे। जब बादशाह मलका और तमाम दरबारी आ जाते हैं तो खेल शुरू होता है। ड्रामे का नाम चूहे का पकड़ना यानी कि माउस ट्रैप रखा गया है जिसमें वियॉन के एक नवाब का कत्ल दिखाया गया है। नवाब का नाम गोंजैगो है जो अपनी बीवी बैप्टिस्टा से बेपनाह मोहब्बत करता था। बैप्टिस्टा अपने खावन जियोनेगो से जहला रूसी में अहद करती है कि अगर वो इससे पहले मर गया तो वो दूसरी शादी नहीं करेगी बल्कि उसके गम में मर जाना पसंद करेगी। फिर मंजर बदलता है और गोंजैगो का एक करीबी रिश्तेदार उसे बिल्कुल उसी अंदाज में जहर देता है जिस तरह हेमलेट के बाप के कत्ल के सिलसिले में बयान किया गया था। और उसके मरने के कुछ देर बाद ही बैप्टिस्टा जो है अपने खावन के कातिल से शादी कर लेती है। ये सब देखने के बाद क्लॉडियस की हालत गैर हो जाती है यानी कि बहुत ज्यादा उसकी हालत खराब हो जाती है। हेमलेट को भी जो इसके करीब बैठा है उसके तासुरात का जायजा ले रहा होता है, उसकी अंदरूनी कैफियत का पता चल जाता है। आखिरी मंजर खत्म होने से पहले क्लॉडियस अचानक खराबी तबीयत का बहाना बनाकर वहां से उठ जाता है और ड्रामा खत्म करना पड़ता है। हेमलेट को आखिरकार इस बात का यकीन हो जाता है कि भूत ने जो कुछ कहा था वो मबनी हकीकत था और दर हकीकत क्लॉडियस ही इसके बाप का कातिल और गासिब है। ठीक है, उसको ये यकीन हो जाता है कि ये जो भूत ने जो कुछ भी कहा था वो मबनी हकीकत था और दर हकीकत क्लॉडियस ही उसके बाप का कातिल और गासिब है। यानी कि अब उसको यकीन हो जाता है कि इसी ने ही कत्ल किया है और वो जो भूत जो भी कह रहा था यानी कि जो सीनियर हेमलेट का जो भूत था वो जो कुछ कह रहा था वो बिल्कुल ठीक था। कुछ देर बाद मलका जर्ट्रूड हेमलेट को अपने कमरे में बुलाती है। दरअसल क्लॉडियस को ये ड्रामा देखने के बाद एहसास हो जाता है कि हेमलेट उसके जराइम से आगाह हो गया, चुनाचे वो मलका को मजबूर करता है कि वह हेमलेट को बुलाए और उसे नतायज की संगीनी से आगाह करे। इसलिए मलका हेमलेट को समझाने के लिए अपने कमरे में बुलाती है लेकिन क्लॉडियस ये सोच कर कि कहीं मलका माँ होने की वजह से हेमलेट से होने वाली गुफ्तगू से उसे मुकम्मल तौर पर आगाह ना करे वो प्लॉनियस की ड्यूटी लगाता है कि वो मलका के कमरे में पर्दे के पीछे छुप कर खड़ा हो जाए और माँ बेटे में होने वाली गुफ्तगू सुने। चुनाचा मलका हेमलेट को तंबीह करती है कि उसने अपने बाप यानी कि मौजूदा बादशाह और माँ को अपने इस तर्ज अमल से बहुत दुख पहुंचाया है। हेमलेट उसे याद दिलाता है कि उसका बाप मौजूद बादशाह नहीं है बल्कि मरहूम बादशाह था। ठीक है कि उसका बादशाह जो है वो क्लॉडियस नहीं है बल्कि उसका जो बाप है वो सीनियर हेमलेट था। बल्कि मलका इस पर गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि तुम भूल गए हो कि तुम किससे मुखातिब हो। इसके जवाब में हेमलेट कहता है कि काश मैं भूल सकता कि तुम मेरी माँ और अपने देवर की बीवी। मलका इस पर नाराज होकर बाहर जाने लगती है लेकिन हेमलेट पकड़ कर बिठा लेता है। मलका इस पर खौफजदा हो जाती है कि कहीं हेमलेट अपने पागलपन में उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए। लॉनियस भी पर्दे के पीछे से चिल्लाने लगता है मदद मलका की मदद करो। हेमलेट ये समझते हुए कि शायद पर्दे के पीछे बादशाह छुपा हुआ है इस जगह पर तलवार के वार करता है। ताहम पर्दा हटाने पर उसे लॉनियस की लाश वहां नजर आती है। अब हेमलेट मलका से साफ गोई से बात करने का फैसला करता है। वो उस
उस पर तानो तंज के तीर बरसाता है कि उसने एक हीरे जैसे शख्स को भुलाकर एक घटिया इंसान से शादी रचा ली है। वो इसके जमीर पर कजूके लगाता है कि किस तरह उसका बाप उससे मोहब्बत करता था, लेकिन उसने एक गासिब और मुजरिम से शादी कर ली। इस दौरान हेमलेट के बाप का भूत दोबारा जाहिर होता है और हेमलेट को जल्द इंतकाम लेने की तरगीब देता है, लेकिन जर्ट्रूड उसको नहीं देख सकती। हेमलेट जर्ट्रूड को हिदायत करता है कि वो फौरन क्लॉडियस से मियां बीवी वाला ताल्लुक खत्म करे, फिर ही वो खुदा अपने मरहूम खावंद और बेटे के सामने सरखरू हो सकेगी। जर्ट्रूड इसकी तमाम बातें मानने पर तैयार हो जाती है, लेकिन आखिर में वो इसे दोबारा तंजन कहता है कि वो अब जाके अपने खावंद को ये ना बता दे कि मैं पागल नहीं हूँ बल्कि पागलपन का ड्रामा कर रहा हूँ। फिर वो पोलोनियस की लाश को घसीट कर ले जाता है और उसे ठिकाने लगा देता है। पोलोनियस उसके कत्ल के बाद, अगरचे क्लॉडियस के हाथ एक अच्छा मौका आ गया था कि वो हेमलेट पर फर्द जुर्म आयद करके उसे कत्ल करवा देता, लेकिन अवामी रद्द अमल के खतरे के पेश नजर और मलका की नाराजगी से बचने के लिए उसने हेमलेट को जिला वतन करने का फैसला किया। अब क्या होता है कि पोलोनियस का तो कत्ल हो जाता है, ठीक है, अब क्लॉडियस को तो मौका मिल गया ना हेमलेट को रास्ते से हटाने का। उसके लिए सबसे बड़ा मसला जो था वो हेमलेट था, कि कहीं हेमलेट को, उसको ये तो पता चल गया था कि हेमलेट को पता है कि उसका बाप जो है वो इस वक्त जिंदा नहीं है और उसको उसके बाप का कातिल जो है वो क्लॉडियस ही है। और दूसरी चीज कि वो एक्चुअली उसको अपने रास्ते से हटाना चाहता था कि कहीं मलका को वो अपनी बातों में लाकर, और मलका को अगर वो दूर कर देगा तो फाइनली उसकी बादशाहत भी चली जाएगी। और वैसे भी वो मलका से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, हमेशा उसकी यही कोशिश रही है कि वो इस मलका से शादी करे। तो अब वो उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद करवा के तो वो उसको कत्ल भी करवा सकता था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मलका नाराज हो जाएगी और अवाम भी ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगी, तो इसलिए हेमलेट को ना वो एग्जाइल कर देता है, जिला वतन कर देता है। उसने मलका को तजवीज दी कि वो हेमलेट को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए फौरन इंग्लिस्तान भिजवा दे। तो वो जो है मतलब उसको कहता है कि भाई ये कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए फौरन इंग्लिस्तान उसको भिजवा दो। चुनाचे हेमलेट अपने दो बेवफा दोस्तों रोजन क्रेंट्स और गिल्डेनस्टर्न के साथ बरतानिया रवाना हो गया, ठीक है, दो बेवफा दोस्तों के साथ, यानी कि वो बरतानिया चला जाता है। रास्ते में हेमलेट को साजिश की बू महसूस हुई और उसने इस सफारती खत को खोल कर पढ़ा जो क्लॉडियस ने बरतानिया के बादशाह के नाम रोजन क्रेंट्स और गिल्डेनस्टर्न को लिख कर दिया था। उसमें क्लॉडियस ने लिखा था कि हेमलेट को बर्तानिया की सरजमीन पर पहुंचते ही कत्ल करवा दिया जाए। इस पर हेमलेट ने इंतहाई चाबुक दस्ती से अपना नाम काट कर वहां रोजन क्रॉन्स और गिल्डेनस्टर्न का नाम लिख दिया और खत को इसकी मुकर्रा जगह पर रख दिया। इत्तफाक से वो जहाज जिस पर हेमलेट और दूसरे लोग सवार थे उस पर बहरी कजाक जो हमला कर देते हैं। हेमलेट इन बहरी कजाकों से लड़ता हुआ उनकी कश्ती में सवार हो जाता है, जबकि उसके साथी बुजदली का मुजाहरा करते हुए जहाज लेकर भाग जाते हैं। बैरी कजाकों को जब ये इल्म होता है कि वो एक शहजादा है तो वो बादशाह के रहम की उम्मीद करते हुए उसे वापस डेनमार्क के साहिल पर पहुंचा देते हैं, ठीक है। जब उनको पता चलता है कि ये तो शहजादा है तो वो कहते हैं कि भाई अगर बादशाह को पता चल गया तो वो तो हमें कत्ल करवा देगा। तो वो क्या करते हैं कि वो बादशाह के डर से ना उसे वापस डेनमार्क के साहिल पर पहुंचा देते हैं। हेमलेट अपने महल की तरफ वापस जा रहा होता है कि रास्ते में ही उसे अजीबोगरीब मंजर को देखने को मिलता है। उसकी महबूबा ओफीलिया को दफन किया जा रहा होता है। दरअसल अपने बाप पोलोनियस की अचानक वफात से इस मासूम लड़की को सख्त दुख पहुंचता है, और जब उसे पता चलता है कि उसे कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका महबूब हेमलेट है तो वो ज़हनी तवाज़ुन खो देती है और आखिर इसी हालत में नदी में डूबकर मर जाती है। अब बादशाह, मलका और ओफीलिया का भाई लियर्टीज इसकी कब्र पर फूल चढ़ा रहे होते हैं, बल्कि मलका इस मौके पर गमजदगी का इजहार करते हुए कहती है कि वो तो ओफीलिया को अपने हेमलेट की बीवी बनाने वाली थी, जबकि लेटियर अपने
बहन के साथ मर जाने की ख्वाहिश का इजहार करता है। इस दौरान हेमलेट भी सामने आ जाता है और दावा करता है कि वो ओफीलिया से इतनी मोहब्बत करता है कि 40,000 भाइयों की मोहब्बत भी उसके सामने कमतर है। लियोटिस अपने बाप के कातिल को अपने सामने पाकर अपने जज्बात काबू नहीं रख सकता और हेलमेट से गुत्तम गुत्ता हो जाता है, ताहम लोग उनको अलहदा कर देते हैं। अब क्लॉडिया से एक और चाल चलता है, वो लियोटिस को आजमाता है कि वो हेमलेट को एक दोस्ताना मुबाजरत की दावत दे, लेकिन उस दौरान एक जहर में बिजी तलवार इस्तेमाल करें, यानी कि जहरीली तलवार इस्तेमाल करें और यूं हेमलेट से अपने बाप के कत्ल का बदला ले। लियोटिस इस साजिश का हिस्सा बनने को तैयार हो जाता है और हेमलेट को मुकाबले के लिए चैलेंज करता है। हेमलेट इस चैलेंज को कबूल कर लेता है, अगरचे दोस्ताना मुबाजरत में कुन तलवारें इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन लियोटिस एक तेज और जहर में बिजी हुई तलवार चुनता है। लड़ाई के दौरान वो हेमलेट को एक जख्म लगाता है। हेमलेट इस बात से आगाह नहीं होता कि उस पर एक मोहलिक वार हो चुका है। ताहम तलवारबाजी के इस अमल में इत्तफाकन लियोटिस की जहर में बिजी तलवार हेमलेट के हाथ में आ जाती है और हेमलेट भी लियोटिस को एक जख्म लगाता है। उस वक्त जर्ट्रूड की चीख सुनाई देती है कि उसे जहर दिया गया है। दरअसल क्लॉडियस ने एक प्याला शराब का तैयार करके रखा हुआ था जिसमें उसने जहर डाला हुआ होता है, जहर मिलाया हुआ होता है। उसका ख्याल होता है अगर हेमलेट थक कर पीने को कुछ तलब करेगा तो उसे ये प्याला दे दिया जाएगा ताकि वो इस तरह लियोटिस के वार से बच गया तो जहर से ना बच सकेगा। लेकिन गलती से वो प्याला जर्ट्रूड पी लेती है जो ये मुबाजरत बड़े इनहमाक से देख रही होती है और यूं मरने से पहले वो चिल्लाकर हेमलेट को इस साजिश से आगाह कर देती है। हेमलेट फौरन दरवाजे बंद करने का हुक्म दे देता है। इस दौरान लियोटिस जो जख्म खाकर गिर पड़ा था उसे बताता है कि दरअसल ये सारी साजिश क्लॉडियस की तैयार करदा है। वो इसे बताता है कि तलवार जिससे तुम्हें और मुझे जख्म लगा है इंतहाई खतरनाक जहर में बिजी है और दुनिया का कोई तरियाक अब हमें मौत से नहीं बचा सकता। इस पर हेमलेट वही तलवार लेकर क्लॉडियस पर हमला कर देता है और यूं अपने बाप की रूह से किया गया वादा पूरा कर देता है। लेकिन खुद मरने से पहले वो होरिशियो से दरख्वास्त करता है कि वो दुनिया को इस जालिम शख्स के जुल्म के बारे में बताए। यूं एक नेक दिल शहजादा अपने अंजाम को पहुंच जाता है और मुल्क की हकूमत नॉर्वे के शहजादे फॉर्टन ब्रॉस को मुंतकिल हो जाती है जो उस वक्त वहां हमला आवर होता है।